तुम लोग, हाँ? अरे तुम लोग हिंदू होते तो तुम्हारे मंदिर में आज से वार नहीं होता भाई, समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अब भी समय है, जाग जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। अभी तो मंदिर टूटा है, तुम्हारे घर भी टूटेंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों के और जो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, इनका भविष्य समझ लीजिए कैसा होगा। गाय के ऊपर मार दिया जाता है जी, गाय, अरे भैया गाय दूध देती है, दूध तो और भी जानवर पशु देता है, हाँ? गाय के नाम पर हम कहीं भी मार देते हैं। जब इलेक्शन आता है ना, जब चुनाव आता है, तो बोल दिया जाता है कि सब हिंदू हैं, हाँ। ये बहुजन समाज के लोग चलते हैं, हाँ हिंदू है, हिंदू का स्टिकर लगा के माथे पे घूमते हैं लोग, हाँ। अरे अब कहाँ हो, कहाँ है वो हिंदू, कौन सा संगठन है यहाँ पे बता दीजिए, हाँ। एक भी हिंदू संगठन का नाम मुझे दिखा दीजिए यहाँ पे इस आंदोलन में, जो लाठी खा रहा है, कौन खा रहा है, दलित समाज बहुजन समाज लाठी खा रहा है, तो फिर हिंदू कहाँ हो तुम लोग, हाँ? अरे तुम लोग हिंदू होते तो तुम्हारे मंदिर में आज से वार नहीं होता भाई, समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अब भी समय है, जाग जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। अभी तो मंदिर टूटा है, तुम्हारे घर भी टूटेंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों के और जो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, इनका भविष्य समझ लीजिए कैसा होगा। अभी तो मंदिर पे बात आई है, बलात्कार सबसे ज्यादा अत्याचार बलात्कार इस समय देश के अंदर दलित हो रहा है जी, और मुसलमान हो रहा है। सिर्फ दो ही कौम परेशान है सरकार से, इस मनुवादी सरकार से सिर्फ दो कौम इस समय बहुत परेशान है। गाय के ऊपर मार दिया जाता है जी, गाय, अरे भैया गाय दूध देती है, दूध तो और भी जानवर पशु देता है, हाँ? गाय के नाम पर हम कहीं भी मार देते हैं, जो है जय श्री राम। किसी भगवान ने कहा है कि मेरा नाम जबरदस्ती मतलब दिलवाओ, हैं? मैंने तो आज तक कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोल दो भाई। मैंने तो आज तक एक भी सीन नहीं देखा किसी का, किसी मुस्लिम भाई ने एक भी बंदे को नहीं मारा रोड पे, और ना ही ऐसी वीडियो भी नहीं आई आज तक ऐसी कि बोल भाई जय अल्लाह अकबर। लेकिन रोज की रोज एक वीडियो आती है कि बोल जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जबरदस्ती बोलने से थोड़े होगा, हाँ? सुनिए, ये सरकार एहसास तो दिला चुकी है, क्या आप हिंदू नहीं हो, हम लोगों में ये जी बिल्कुल ये कमी हम लोगों में है। हम लोग समझते हैं कि हम हिंदू हैं, बहुजन समाज जो है ये हमारा ओबीसी समाज है, इसको अपना इतिहास ही नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं ओबीसी वालों से कहना चाहूंगा, मैं जितने भी ओबीसी भाई हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, एक बार जरा अपने इतिहास पे ध्यान दीजिए।